नया फैशन नया जमाना, ये लड़का सेरा डाल के जा, देखो भाई दूल्हा बन के जा, इस दूल्हे का मुंह देखो जैसे रोड पे फटा हुआ टमाटर। चल भाई दूल्हे जेंटलमैन हो के दिखा, जेंटलमैन हो जा, बाबू बन के दिखा दे, बाबू बन के दिखा दे, भोग लगा के दिखाओ बच्चों को, भोग लगा के। ये भाई किधर जा रहा है, ससुराल घर में जा रहे हैं आजकल के लड़कों की तरह दूल्हा बन, ताली ससुराल वालों के घर में गया, लड़के को जादू तभी डाल के पागल कर दिया, पागल बना दिया जादू से। माँ बाप के घर में होता आधा किलो दूध पी के बॉडी बनाता, शाहरुख खान की चमक चली, बॉडी बना के दिखाओ, वर्जिश करके दिखाओ, वर्जिश आदर में। चल भाई अभी कबड्डी खेल के दिखा शाहरुख खान वाली। आज सलाम बोलो इधर बैठ के, सब बच्चों को, सब बहना भाइयों को सलाम दो, दोनों हाथ जोड़ के दुआ कर दो, दुआ मांग दो अल्लाह के आगे। आज बड़े साहब को सलाम करो, इतना डांस किया बेटा किस पेट के लिए जल गया, उनका पेट दिखा दो बच्चों को। आज बड़े साहब है, आज बच्चों से हाथ मिला दो, आज बड़े साहब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन सिद्दीकी रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन आज एक मुख्तलिफ जो है चीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और जैसा कि आपके इल्म में है कि दुनिया में बहुत सारे पेशे होते हैं जिनसे लोग मुंसलिक होते हैं, कोई किसान है, कोई मज़दूर है, कोई हारी है, और कोई टीचर है, मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इनसे मुंसलिक होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बंदर का नाच दिखाने वाले एक साहब जो है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये इस पेशे से क्यों मुंसलिक हुए, और ये दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं, और इनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकबाल हसन। इकबाल ये बताओ कि कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हो? भाई हमारा ये खानदानी पेशा काम। अच्छा, खानदानी पेशा है, तो पहले कौन लोग करते रहे हैं आपके खानदान में? हमारे दादा परदादा, मतलब जो बुजुर्ग थे वो पहले ये काम करते थे। अच्छा, तो कितने अरसे से, मतलब ये कि ये तो तवील अरसे से एक सिलसिला चला आ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 रुपए कमा लेते दिन में, रोजाना के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने ये चीजें जो बंदर का नाच नचाते हैं, ये किन से सीखा था? अपने वालिद से सीखा है या अपने दादा से सीखा? ये हमारे वालिद साहब पहले ये काम करते थे, वालिद साहब गुजार गए, छोटे छोटे बहन भाई है, बहना भाई हैं, फिर उनके लिए फिर कमाना पड़ता है। अच्छा, छोटे छोटे बहन भाई सारे घर में फैमिली है, उनका भी तब पेट पाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं मलीर 15 पे। मलीर 15 में आपका अपना घर है या किराए पे रहते हैं? उधर किराए पे रहते। अच्छा अच्छा, आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, आप मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी यार गुजर जाए सही है। अच्छा, ये बताएं कि बंदर को जो है क्या पूरी एक तरबियत दी जाती है, किस तरह तरबियत दी जाती है? इसको छोटा सा लेके बच्चा पालते हैं, बच्चा कम से कम 2-3 महीने का होता है, फिर इसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दे के फिर गलियों मोहल्लों में बच्चों को शो दिखाते हैं, फिर बच्चे 10-20-100-150 लेके आते हैं, हमारे बच्चों की रोज़ी बन जाती है। अच्छा, कभी कोई ऐसी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा है कि लोग आपको तंग कर रहे हैं, जिस गली में गए हैं, जिस महल्ले में गए हैं, वहाँ बच्चों ने तंग किया हो आपको या बंदर को तंग किया हो?
ऐसे लोग तंग करते भाई, सुबह सुबह गलियों में टाइम होता है, डुग डुगी बजाते को लोग बोलते शोर नहीं करो, ये करो, ये गली मोहल्ले में इतना शोर नहीं किया करो, तुम क्यों ऐसे आ जाते हो बच्चों को तंग करने के। फिर हम उसको, हमारे पास भी जवाब है, हम भी थोड़ा बहुत दुनिया में चलने वाले इंसान हैं, उसको ये बोलते भाई ये हमारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को खेल तमाशा दिखाता है और आप हमारी मदद करते हो। इकबाल ये बताओ कि मतलब लोग आपको तंग करते हैं और कहते हैं कि ये जो है, आपको कैसा फील होता है? हमारे को ये फील होता है भाई, उनका भी, उनके तो बच्चे सो रहे होते हैं, फिर हमारे तो रोजी का मसला, हम बजाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा मदारी आ गया, बच्चों को तमाशे दिखाने वाला बंदर वाला आ गया। अच्छा आप क्या समझते हैं बच्चे कितने खुश होते हैं आपके करतब देखकर? बच्चे खुश ज़्यादा होते हैं, मतलब जितने यार बच्चे खुश हो सके, मतलब बच्चों से हाथ मिलाना ये वगैरह, बच्चों को डांस सिखाना, बच्चों को खुश करके चले जाते हैं। अच्छा ये बताएं इकबाल के आपको जो तमाशा देखते हैं बच्चे, कितने पैसे एक उस पर मिल जाते हैं? किसी में 100 मिल जाता है, किसी में 50, किसी में 60, ऐसे करके शाम देखें 200-400, 700-800 रुपये कमा के चले जाते शाम को घर। अच्छा और ये बताइए कि क्या आप ये प्रोफेशन छोड़कर कुछ और नहीं करना चाहते? और हम तो पढ़े लिखे हो नहीं, और हमारे से मजदूरी भी इतनी नहीं करी, एक इंसान है मजदूरी करता हो पहले उसको समझ होती है, फिर हमारे ये खानदानी पेशा है, हमारे बुजुर्ग मतलब 90 साल से हमारे ये चल रहे काम, बचपन से लेके रिछ वाले आते थे, बकरी बंदर वाले, कुत्ते वाले गलियों में आते थे शो दिखाने के लिए, अभी कुत्ते रिछ तो है नहीं, खाली ये बंदर लेके घूमते थे। अच्छा 800 रुपये आप कमा लेते हो, इसको क्या खिलाते हो? 800 रुपये में जो आप, आपको दिहाड़ी मिलती है तो उसमें इसकी क्या खिदमत करते हो आप? सारा दिन इसको भूखा रखते हो या इसको कुछ खिलाते पिलाते भी हो? इसको गली में तमाशा दिखाते हैं, किसी बच्चे ने केला ला के दे दिया, फल फ्रूट रोटी, फिर जब घर में जाते रोटी पकाते हैं, सबसे पहले इसको रोटी मिलते फिर बाद में हम खाते, जो हमारा ये रिजक है। अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए इस काम को छोड़कर कोई और काम आपको बेहतर काम दिया जाए तो क्या वो आप तैयार हो जाओगे वो काम करने के लिए? मुश्किल वाली बात है। मुश्किल बात है क्यों? दिल मानते ही नहीं, ये हमारा खानदानी काम है, और हमारे से कोई काम होगा नहीं। अच्छा यानी ये आपका एक ज़ाहिर ख़ानदानी काम है। नाज़रीन आपने इकबाल की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम गली में जाते हैं तो लोग जो है हमें डांटते हैं कि शोर क्यों करते हो, और जो है बच्चे सो रहे हैं या घर वाले सो रहे हैं तो आपके शोर से जो है उनके उठने का डर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने बहुत सारी और भी बातें बताई हैं कि ये इनका ख़ानदानी पेशा है, अगर इनको हमने ऑफ़र की कि अगर कोई इनको काम दिलवा दिया जाए तो क्या ये काम छोड़कर जो है वो दूसरा काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए उन्होंने मना किया कि भाई ये इनका ख़ानदानी पेशा है और ये इस काम को नहीं छोड़ सकते। और इनका कहना है कि 800 रुपये योमिया कमाते हैं और इसमें जो है इनका गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।